ओम शांति। आज 24 अप्रैल 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी दिल से पूछो, हम ज्ञान की खुशबू फैलाने वाले खुशबूदार फूल बने हैं? सदा अच्छी खुशबू फैलाते रहो। बाबा है बागवान और बागवान को अच्छे अच्छे फूल पसंद आते हैं। जब अपने बगीचे को देखते हैं तो उसमें वैरायटी फूल होते हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम अपने आप को चेक करो, क्या हम सच में खुशबूदार फूल बने, अच्छे फूल बने हैं? प्रश्न है, किन बच्चों की अवस्था बहुत मस्त रहती है, गैलप करने का आधार क्या है? जो अच्छे अच्छे फूल हैं, जिनकी बुद्धि में ज्ञान का मंथन चलता रहता है, उनकी अवस्था बहुत मस्त रहती है। ज्ञान और योग की शिक्षा दे खुशबू फैलाने वाले बच्चे बहुत प्रफुल्लित रहते हैं। गैलप करने का आधार है सच्चे परवाने बनना, माया के तूफानों से सदा बचकर रहना, श्रीमत पर चलते रहना है। गीत है, महफिल में जल उठी शमा। चैतन्य परवानों ने गीत सुना, परवाने कहो व फूल कहो, बात एक ही है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं या फेरी लगाकर चले जाते हैं, क्षमा को भूल जाते हैं। हर एक को अपनी दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसको बनाया है, ये तो बच्चे जानते हैं। ज्ञान का सागर वो बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं, उनकी ज़रूर अच्छी खुशबू आएगी। वे सदैव खुश रहेंगे, औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। खुशबूदार फूलों की निशानी बाबा ने बताई कि वो औरों को भी बनाएंगे आप समान खुशबूदार बनाएंगे और सदा खुश रहेंगे। ये भी समझते हैं हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे। बच्चों को समझाया है, जब कोई से मिलते हो तो ये समझाना है कि ये बना बनाया ड्रामा है। सत्ययुग त्रेता, द्वापर कलयुग, ये है संगम युग। सत्ययुग के बाद त्रेता का भी संगम होता है, वहाँ युग बदलता है, परंतु यहाँ कल्प बदलता है। बाप कोई युगे युगे नहीं आते जैसे मनुष्य समझते हैं। बाप कहते हैं कि जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है, ऐसे कल्प के संगम पर मैं आता हूँ। बाबा बता रहे हैं कि मैं युगे युगे नहीं, युगे युगे अर्थात हर युग में मुझे आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर युग तो ऐसा तमो प्रधान नहीं है, केवल कलयुग ही तमो प्रधान है। तो मैं तमो प्रधान की समाप्ति करने के लिए कलयुग के अंत में मैं आता हूँ। भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते, ये भी ड्रामा में नूंद है। जब भूले तब तो फिर से मैं आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। सत्ययुग में है ही एक धर्म, ये बातें बाप बैठ समझाते हैं। जो विश्व के मालिक थे वे खुद ही भूल जाते हैं, तो बाकी औरों की बात ही क्या। बाबा ने कहा, ये एक ही बाप है जो आकर दुख धाम से निकाल सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे अभी हम नरक के मालिक हैं। दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है, सब पतित हैं, तब तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। मनुष्य सन्यासियों आदि को गुरु बनाते हैं क्योंकि वो पावन है। समझते हैं गुरु द्वारा पावन नहीं बनेंगे तो सदगति कैसे होगी, परंतु फॉलो तो करते नहीं। गुरु लोग फिर उनको कहते भी नहीं कि तुम फॉलो कहाँ करते हो, पवित्र कहाँ बनते हो। यहाँ तो बाप कहते, अगर तुम पावन निर्विकारी बनते हो तो मेरे फॉलोवर हो, नहीं बनते हो तो तुम फॉलोवर नहीं हो।
ऊंच गति पा नहीं सकेंगे। बाबा स्पष्ट बता रहे हैं, क्योंकि बाबा जो ज्ञान देते हैं वो धारणा के लिए, और अगर धारण नहीं करते हैं तो बाबा के मत पर नहीं चलते हैं, पढ़ाई को फॉलो नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर तुम मेरे उस पर नहीं चलते हो तो मेरे फॉलोअर भी नहीं कहला सकते हो। बाबा ने कहा कि तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। अभी तुम ईश्वर के बच्चे हो, देवताएं थोड़े ईश्वर के बच्चे कहलाएंगे, अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो। परंतु नंबरवार कोई तो बड़े मस्त हैं, समझते हैं कि बाबा की मत पर चलते रहते हैं, जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाप सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो, निरंतर याद करो, परंतु सदैव याद कर नहीं सकेंगे। याद रहेगी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, सो भी रिजल्ट अंत में निकलेगी। देखिए याद का संबंध हमारी धारणा से है, जितना जितना आत्मा धारणा करती जाती है तो बाबा की याद भी बढ़ती जाती है, इसलिए बाबा ने कहा नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा ने कहा कि हम तो समझते हैं हम यात्रा पर हैं, थोड़े समय बाद विनाश होगा, हम जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, किस्म किस्म के फूल हैं। हर एक बच्चे को समझना चाहिए मैं कितने को ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ, किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ। जो सर्विस करते हैं वो अंदर में प्रफुल्लित रहते हैं, बाबा जान जाते हैं ये किस अवस्था में रहते हैं, इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करेगी। गैलप उनकी अवस्था करेगी जो परवाना बन चुका होगा। देखिए जो आत्मा अंदर से खुश रहती है, प्रफुल्लित रहती है, लाइट रहती है, उसका जो है बाबा कहते हैं चार्ट बहुत अच्छा रहता है, और वो आत्मा जो है वो सच्चा परवाना है जो कि बाप पर फिदा हो जाते हैं, और जो दूसरे प्रकार के हैं वो सोचते रहते हैं, फेरी लगाते हैं। बाबा ने कहा आत्मा को ज्ञान है, मैं आत्मा अपने इस आत्मा भाई को समझाता हूँ, जैसे परमात्मा बाप हम आत्माओं को समझाते हैं, हम भी आत्मा हैं, बाबा हमको सिखलाते हैं, हम फिर इन आत्माओं को समझाता हूँ। परंतु हम आत्मा बने का निश्चय न होने से अपने को मनुष्य समझ मनुष्य को समझाते हैं। बाप कहते हैं हम तो आत्माओं से ही बात करते हैं, मैं परमात्मा तुम आत्माओं से बात करता हूँ। तुम कहेंगे हम आत्मा सुनती हैं, आत्मा को सुनाती हैं, ऐसे तुम देही अभिमानी हो, किसको सुनाएंगे तो वो तीर झट लगेगा। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा करा नहीं सकेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, अगर हम खुद ही सबक नहीं पढ़ेंगे तो दूसरों को कैसे पढ़ा सकेंगे। बाबा कहते मैं कहता हूँ देही अभिमानी बनो, स्वयं देही अभिमानी नहीं तो दूसरों को नहीं बना सकते। बाबा ने कहा पहले ही वार्निंग दो, मैं आत्मा से बात करता हूँ, आत्मा को तो न मेल कहेंगे न फीमेल कहेंगे, आत्मा तो न्यारी है, मेल फीमेल शरीर पर नाम पड़ता है। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शंकर पार्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को न मेल न फीमेल कहेंगे। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं ये बड़ी मंजिल है, आत्मा को इंजेक्शन लगाना है तब दे अभिमान टूटता है, नहीं तो खुशबू नहीं निकलती, ताकत नहीं रहती। नेचुरली देह अभिमान तो भारीपन लाता है ना, सब विकारों को लाता है। बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो, मन मना भव, फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भव आ जाता है। मूल बात है मन मना भव, बाप को याद करो। बाबा ने कहा कि लिखा भी हुआ है नींद को जीतने वाले बनो, सवेरे उच्च विचार सागर मंथन करना है, दिन में सर्विस करनी है, क्योंकि कर्म योगी हो।
अमृत वेले वायुमंडल बहुत अच्छा रहता है। बाबा को ये तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठ विचार सागर मंथन करते हैं, इसमें बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक बनते हैं तो ज़रूर थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इतना थोड़ी सरल है, विश्व का मालिक बनते हो तो मेहनत करनी पड़ेगी। बीच बीच में माया आएगी, आपको हिलाएगी, पुरुषार्थ को ढीला करेगी, लेकिन आपने अगर अपना लक्ष्य पक्का रखा है तो पास हो जाएंगे। बाबा ने हमें वरदान दिया आज, एक हिम्मत की विशेषता द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त कर आगे बढ़ने वाली विशेष आत्मा भव। जो बच्चे हिम्मत रखकर निर्भय होकर आगे बढ़ते हैं, उन्हें बाप की मदद स्वतः मिलती है। हिम्मत की विशेषता से सर्व का सहयोग मिल जाता है। इसी एक विशेषता से अनेक विशेषताएं स्वतः आती जाती हैं। एक कदम आगे रखा और अनेक कदम सहयोग के अधिकारी बने, इसी विशेषता का औरों को भी दान और वरदान देते रहो, अर्थात विशेषता को सेवा में लगाओ, तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। और आज का स्लोगन है, बुद्धि से इतने हल्के रहो जो बाप अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए। बुद्धि से हल्का होना माना अपनी मैल को सारा उतारना। इतने लाइट हो फूल जैसा, फूल की पंखुड़ी जैसा, जिसमें कोई भी कचरा नहीं है, कोई भी भारीपन नहीं है, इसी है, शुद्ध है, पारदर्शी है, निर्मल है। बुद्धि ऐसी चाहिए तो ही हम उड़ान भर सकते हैं। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।